जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। दो बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो से शिव कथा कहती है श्रावण महीने की दसवीं तिथि को नियम है। जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए, जैसे बेलपत्री के मध्य भाग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बेलपत्र है और इस बेलपत्र के दो पत्ती और ये तीन पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र, बेलपत्र की दो पत्तियां, ये तीन पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस तीन पत्ती के मिलन की जगह पर, केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर देव अधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो महामृत्युंजय ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकते आप। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शमी के पत्ते को चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा, शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर इसको कर से मुक्त कर दूं, तब कर जा चुका, तब कर जी इससे मुक्ति होती है। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकते आप। कहीं मंगल है, कहीं राहु है, कहीं केतु है, कहीं कालसर्प दोष है, कहीं कुछ है, बच्चे बच्ची का विवाह नहीं हो रहा, बार बार देखने आते हैं पर विवाह पक्का नहीं होता, कुछ ना करिए। सावन के महीने में चंदन की तीन बिंदियां और उस अशोक सुंदरी के स्थान पर आप सावन के महीने में किसी भी दिन जाकर लगवा दीजिए और उसी तीन बिंदी में से थोड़ा थोड़ा सा चंदन जहां पर लड़का लड़की सोते हैं उस कमरे में लगवा दीजिए, 6 महीने के अंदर विवाह पक्का हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।